नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस स्मार्ट कार रिव्यू में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले लेजेंडरी ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा मोटर्स आने वाले समय में 10 से 15 लाख रुपए के सेगमेंट में अपनी प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी वेजल को लॉन्च कर सकता है। जो कि वेजल एसयूवी कार को होंडा कंपनी ने इंटरनेशनल के मार्केट में लॉन्च कर दिया है और बाकी देशों में इसी एसयूवी कार को होंडा एचआरवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वहीं कुछ रिपोर्ट के अनुसार होंडा मोटर्स अपनी वेजल या यूं कहें होंडा की एचआरवी को इंडियन मार्केट में भी जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों होंडा की ये अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी वेजल लुक से लेकर फीचर्स तक सभी में प्रीमियम और काफी शानदार होगी, तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे 2021 होंडा की ये अपकमिंग वेजल एसयूवी कार से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों एसयूवी की मार्केटिंग में काफी उथल पुथल मच गई है, तो वहीं हर कोई चाहता है कि भाई एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी लूं। तो वहीं जैसा कि आप सभी को पता है कि बजट सेगमेंट में होंडा का सबसे बड़ा नाम रहा है और 10 से 15 लाख के ट्रेंड को देखते हुए होंडा भी इस पर फोकस कर रही है और जल्दी अपनी अपकमिंग कार को लॉन्च करेगी। तो दोस्तों वहीं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लुक्स और डिजाइन की। तो आने वाली होंडा की वेजल एसयूवी फीचर्स के साथ साथ काफी शानदार एसयूवी होगी और इसके इंटीरियर एक्सटीरियर को भी काफी अच्छे से डिजाइन में होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर ले इसके एक्सटीरियर लुक्स की। तो सामने की तरफ आपको होंडा की वेजिंग के साथ एक नई अट्रैक्टिव फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी जो कि काफी प्यारी होगी और साथ ही आपको न्यू डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इसके एक्सटीरियर लुक्स में आपको नई एलईडी डीआरएल से नए डिजाइन की फॉग लैंप यानी नई हाउसिंग के साथ फॉग लैंप, नई टेल लाइट, सरफेस एंटीना, आरवीएम विद टर्न इंडिकेटर, डुअल टोन और मोनोटोन कलर की ऑप्शन, फ्रंट एंड रियर एसयूवी स्किड प्लेट और टायर के साथ आपको R17 R18 इंच तक की बिल्कुल नए डिजाइन की स्टील व्हील या अलॉय व्हील की ऑप्शन जैसे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ बात आती है इसके इंजन पावर की। तो 2021 होंडा की ये अपकमिंग वेजल एसयूवी कार के इंजन में आपको BS6 नाम का 1.5 लीटर का दो इलेक्ट्रिक मोटर लेस पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 96 BHP के करीब पावर और 127 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इलेक्ट्रिक मोटर इसी इंजन के साथ आपको 106 BHP के करीब पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये BS6 इंजन आपको CVT गियरबॉक्स के स्टैंडर्ड ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा। और ये होंडा की अपकमिंग एसयूवी इस इंजन के साथ तीन ड्राइविंग मोड की ऑप्शन में देखने को मिलेगा जो कि हाइब्रिड इंजन ट्यूल ईवी इंजन ओनली होगा। दोस्तों वहीं इस इंजन के साथ यानी हाइब्रिड इंजन के साथ ये एसयूवी की माइलेज 27.8 किलोमीटर प्रति लीटर की देखने को मिलेगी। और ये नई एसयूवी कार में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी। दोस्तों वहीं थोड़ा ध्यान देते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो 2021 होंडा की ये अपकमिंग वेजल एसयूवी कार के इंटीरियर को काफी ज्यादा इंटीरियर बनाया गया है। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको 9 इंच तक की इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाता है जो कि कनेक्टिविटी एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। और साथ ही आपको नए सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड के साथ होंडा की वेजिंग के साथ एक मल्टी फॉक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगी जो कि पावर स्टीयरिंग होगी यानी विंडो कंट्रोल और म्यूजिक कंट्रोल पूरा आपके हाथों में होगा। और साथ ही इसके इंटीरियर में ही 7 इंच तक की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, लार्ज बूट स्पेस, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स आपको इसके इंटीरियर में शामिल होंगे। दोस्तों यहाँ बात आती है इसके सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी की। तो 2021 होंडा की ये अपकमिंग वेजल एसयूवी कार के सेफ्टी लुक्स में आपको ऑल एयर बैग, मल्टी एंगल व्यू रिवर्स पार्किंग कैमरा, हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एक्टिव इमरजेंसी ब्रेक जैसे फीचर्स आपको इसके सेफ्टी लुक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों वहीं फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो 2021 होंडा की ये अपकमिंग एसयूवी कार वेजल की प्राइस एक अनुमान के अनुसार 11 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक की आपको इंडियन मार्केट में ये वेजल एसयूवी कार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये होंडा मोटर्स की तरफ से आने वाली ये अपकमिंग वेजल एसयूवी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।